सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं डेक बाई की तरफ से। मैं जो मंगाया PS4 स्लिम, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, मैं PS4 स्लिम भी मंगवाने वाला हूँ। और इसके पहले मैंने PS5 मंगवाया था गाइस गेम लूट से, तो उसका रिव्यू तो आप लोगों ने देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो जाके चैनल पर देख लो, अगर आप लोगों को PS5 खरीदना है तो। लेकिन अगर आप लोगों को PS4 खरीदना है भाई, तो देख लो, डेक बाई से मैंने मंगा रखा है। पैकेजिंग आप लोग देख ही रहे हो, काफ़ी अच्छा है इन्होंने करके दिया है भाई। पूरा बबल रैप पहले भरा है, उसके बाद कंट्रोलर और जो भी PS4 है सब कुछ बबल रैप में आया है। और बहुत मोटा पैकेजिंग है, जो कि जिससे कि आपको ट्रांसपोर्टेशन के टाइम डैमेज ना हो आपका सामान। काफ़ी अच्छा से इन लोगों ने देखभाल करके इस चीज़ को भेजा है। और गैज़, मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा कॉन्सोल लेने से पहले। तो अगर आप एक PS4 ले रहे हो प्री ओन्ड, तो भाई अगर आप किसी भी साइट से ले रहे हो, तो मैं आपको बताऊँगा कि प्लीज़ वो 3 मंथ वारंटी ज़रूर खरीदना। 3 मंथ वारंटी अगर आप खरीद लोगे तो सिर्फ आपका 700 एक्स्ट्रा लगेगा। और आपको मैं बताता हूँ कि 1 महीना ये लोग भी देते हैं, तो 4 महीने का वारंटी हो जाता है। और 4 महीने का वारंटी में अगर आपके PS4 में कुछ भी होता है भाई, तो वो अपना रिपेयर करके देते हैं भाई, तो बहुत ही अच्छा है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, कंट्रोलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम ब्रांड न्यू तो नहीं बोलेंगे भाई, क्योंकि PS4 ओन्ड मतलब प्री ओन्ड खरीदा है मैंने। तो कंट्रोलर काफ़ी अच्छे कंडीशन में था, वायर्स आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। वायर्स भी ठीक ही ठाक लग रहा है। एक HDMI केबल मिलेगा आपको, एक चार्ज करने वाला कंट्रोलर का USB केबल मिलेगा, और एक मिलेगा पावर कॉर्ड। उसके बाद गाइज हमारा आता है यहाँ पे PS4, देख सकते हो काफ़ी अच्छा बबल रैप में है किया हुआ। तो ये हमारा निकल के आ चुका है PS4 भाई, जैसा कि आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा कंडीशन लग रहा है। और मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे मुझे ये सिर्फ 16,200 का पड़ा है, जो कि ये PS4 स्लिम 2 मतलब 1 TB वाला वर्जन है। हल्का सा इसमें डेंट था गाइज, इसीलिए मुझे इतना सस्ता पड़ा है। अगर आप डेंट वाला लेना चाहो तो आप ले सकते हो, कुछ ज़्यादा डेंट नहीं रहता भाई कुछ ना कुछ। देखो कितना डेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो बस इतना डेंट का उन्होंने 1,000-2,000 रुपया कम कर दिया भाई। बस आपको ऐसे ऑफर्स मिलेंगे गेम लूट पे, डेक वाई पे, या फिर और भी जो है उस पे। तो कॉर्ड देख सकते हो यहाँ पे, जितना भी प्लगइन है, जो जो लगता है, पावर ऑन स्विच, बाकी HDMI केबल, USB टाइप, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है भाई। सब कुछ परफेक्ट कंडीशन में लग रहा है, काफ़ी अच्छा। तो अब इसे हम लोग लगा के टेस्ट करेंगे भाई। यहाँ पे हम लोगों ने ऑन कर दिया इसको, अब हम इसमें हॉराइजन जीरो डाउन डाल के खेल के देखेंगे गेम स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, वो देखेंगे गाइस। तो CD हम लोगों ने लगा दिया है, और जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अब CD रीड कर रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। देख लो, PS4 इंस्टॉल हो चुका है भाई। और यहाँ पे हॉराइजन शो होने लगा, देखो। अब इसको ज़रा सा खेल के आपको दिखाते हैं। खेल के क्या दिखाना है भाई, खेला हुआ तो है ही, गेम चल गया बस वही आप लोग देख लो। तो और कोई क्वेश्चंस होंगे आपके तो ज़रूर मेरे को कमेंट करना, क्योंकि PS5 का मैंने अनबॉक्सिंग किया ही था। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो, उसका और अच्छे से अनबॉक्सिंग मैंने किया है। और इसका भी कर दिया, क्योंकि लोग कह रहे थे कि करो भाई करो भाई, तो मुझे PS4 मंगाना था, तो मैंने कर दिया। यहाँ पर कोई भी कॉन्सोल आप मंगा सकते हो, सब अच्छे कंडीशन में होते हैं। और मैं बोलूँगा आपको कि कुछ भी मंगाने से पहले गाइस आप एक बार कस्टमर केयर से बात कर लेना, चाहे फिर वो गेम लूट का हो, चाहे गेम निशन का हो, या डेक बाइस का हो। डेक बाई का कस्टमर केयर मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि हर बार वो कॉल पिक करते हैं आपका, और आपकी बात मानते हैं। जो आप कहते हो, जैसे आप कहते हो वैसे वो करके भी देते हैं भाई। तो मेक श्योर कि आप कस्टमर केयर से ज़रूर बात करना। और सेकंड पॉइंट ये है कि आप ज़रूर एक वारंटी लेना, कोई भी प्री एंड कंसोल लेने से पहले 3 मंथ का वारंटी ज़रूर लेना, उसके साथ ही आता है भाई। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम कर रहा है हमारा PS4, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि डेक बाई से आपका जो प्रोडक्ट आता है वो कैसा होता है। तो मिलते हैं गाइज अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।